का मतलब वंस होता है। हाँ इसी तरह अगर आप पार्ट डी को देखें, ठीक है, इसी तरह अगर आप पार्ट डी को देखें, पार्ट डी में देखें आपके पास कलर बॉक्स है जिसमें 10 पेंसिल्स हैं और सिंगल पेंसिल्स कितनी है, 1 2 3 4, तो आप 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, तो 14 के ऊपर हम 1 पे क्या लिखेंगे टी, 4 पे ओ, यानी कि 1 10 एंड 4 1s, इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए टी ओ हम लिख रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू में डिजिट टेंस का या डिजिट वंस का है। पार्ट ई देखिए, पार्ट ई में देखिए आपके पास लिखा हुआ है 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, तो देखिए ऊपर आपके पास एक पेंसिल कलर बॉक्स है, कलर बॉक्स में कितनी पेंसिल है 10 और सिंगल कितनी है 1 2 3 4। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू बेटा? पेज नंबर 16 कर रहे हैं हम आयान, पेज नंबर 16 ओपन कर लें बुक से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 आपके पास क्या आ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 1 पे क्या लिखेंगे टी, 5 पे ओ, 1 10 एंड 5 1s, ये क्या बन जाएगा 1 10 एंड 5 1s, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखिए कलर बॉक्स में कितनी पेंसिल है 10 और ये सिंगल कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 पेंसिल, 10 प्लस 6 16 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 10s और 1s, तो इस ये क्या लिखेंगे 1 10 एंड 6 1, ये देखें 1 10 एंड 6 1, टी का मतलब 10, 1 10 और ओ का मतलब 6 1s, आगे हमने इसी तरह लिख दिया 1 10 एंड 6 1। अब जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया या लेट आए हैं, ठीक है, उनको मैंने समझा दिया, वो इस पेज को कंप्लीट कर लें जल्दी से। कल मैंने ग्रुप में पिक्चर शेयर की थी, होमवर्क की, सब बच्चों ने नोटबुक पे होमवर्क किया था मेकिंग 10 का। आप सब ने मेकिंग 10 के क्वेश्चन का नोटबुक में होमवर्क किया है? जिस जिसने नहीं किया वो आज कर ले। ओ इसका अगला पिन, आपने यहाँ तक अपना काम आज कंप्लीट करना है, ठीक है, क्लास वर्क लिख दें और आज की डेट मेंशन कर दें 17/6/2020, यहाँ तक आज हमने अपना क्लास कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखें पार्ट ए में देखें आपके पास कलर बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं 10 और इन्हें काउंट कर ले कितनी है 1 2 3 4 6 और 7, कितनी है ये 7 है, 10 प्लस 7 कितने हो गए 17, ठीक है। अब 17 पे आपने क्या लिखना है टी और ओ, टी मीन 110 एंड ओ मीन 710,
वन पे टी है तो 110 और 7 पे ओ है तो 7 ones. 110 एंड 7 ones. नेक्स्ट देखिए पार्ट बी. पास पेंसिल बॉक्स में कितने कलर हैं? 10. और यहाँ पे सिंगल पेंसिल्स कितनी है उन्हें काउंट कर ले. ये कितना हो गया? 10 + 8 = 18. ठीक है, 10 + 8 कितना हो गया? 18. तो 18 पे आपने क्या लिखना है? टी ओ, यानी कि 110 एंड 8 ones. जल्दी से कर लो, यानी कि 110 एंड 8 ones. पार्ट सी पर आए, देखें पार्ट सी में ये कलर बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं? 10. आपने 10 लिख लिया, ठीक है. और सिंगल पेंसिल्स को काउंट करें कितनी है? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो ये कितना, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये कितनी बनी? 9. 10 नहीं बन रही है, 9 पेंसिल्स हैं. ठीक है, तो 10 + 9 कितना हो गया? 19. ऑल राइट बच्चे, बाकी बच्चों को करने दें. 10 + 9 क्या है? क्या बन जाएगा? 19. ठीक है, 19 पे क्या लिखेंगे? एन ओ, दैट्स मीन 110 एंड 9 ones. इधर आओ तैमूर, इधर आओ. और दूसरे कलर बॉक्स में भी आपके पास 10 पेंसिल्स हैं, यानी कि 10 + 10 कितने हो गए? 20 हो गए. और 20 पे आप क्या लिखेंगे? टी एन ओ. ठीक है, प्लेस वैल्यूज की प्लेस करेंगे, 2 की वैल्यू प्लेस करेंगे टी और 0 की वैल्यू प्लेस करेंगे 1. क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2, 10 and 0 ones. 2, 10 and 0 ones. सब बच्चे कंप्लीट कर लें यहाँ तक. आज का क्लास वर्क आपका यहीं तक है. ठीक है, जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया, मैं यहाँ पे 5 minutes दे रही हूँ, अपना काम जल्दी से कंप्लीट कर लें. या जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, मैं पिछला पेज भी आपको थोड़ा सा शो कर रही हूँ. ये मेरा तो डन हुआ है पहले का. बेटा पहले से क्यों डन हुआ है? मम्मा को पता नहीं था ना, तूने इतना ज्यादा आगे करवा दिया. चलो साथ साथ रिवाइज करती जाओ, ठीक है, और चेक करती जाओ कि आपका काम ठीक है या नहीं. ठीक मैम, मैं आपको दिखा दूं? मैं आपको दिखा दूं? जी दिखाएं बुक ऊपर करके. ये दूसरा पेज भी, ये वाला पेज कर लिया सबने, और आगे वाला भी है. जिन्होंने नहीं किया वो ये वाला भी करें, जो बच्चे लेट आए हैं. ये भी किया हुआ है, ये जो अगला पेज है वो, और ये वाला, और ये लास्ट आखिरी वाला. ये आपने इतना ज्यादा काम पहले से किया हुआ है. मामा ने एक दिन में मुझे ये कराया था. ओके, वेरी गुड. सुबह से मैं बैठी हुई थी काम करने के लिए रात तक. ठीक है, अब आप ऐसा करना कि आपने ये सारा काम साथ साथ चेक करना, कि जो मैं करा रही हूँ वैसे किया हुआ, आपने कहीं रॉन्ग तो नहीं है? ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी? साथ साथ चेक करने देंगे. ठीक है, ओके. ग्रेड वन आज का आपका क्लास वर्क यही है. जो आपका होमवर्क है, होमवर्क आपका ये है कि आपका यूनिट 2 स्टार्ट हो गया है.
आपने यूनिट टू के लिए एक प्यारा सा टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाना आता है ना, लिखेंगे यूनिट टू नंबर्स, उसमें प्यारे से कलर्स कर दें, नीचे कोई फिगर बना दें, बैलून बना दें, कोई बियर बना दें, कुछ भी, कोई फ्लावर बना दें, ठीक है। आपने यूनिट टू के लिए टाइटल पेज बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम इसका होमवर्क स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो रही है सबको बात? ठीक है, बनाना आता है ना। टाइटल पेज में आप यूनिट टू लिखेंगे, यूनिट टू का नेम लिखेंगे, उस पे कलर्स करें, नीचे कोई फ्लावर्स बना दें, कोई कार्टून कैरेक्टर बना दें, कुछ भी बना दें, ठीक है। आपका टाइटल पेज बन जाएगा। ऑलराइट, आप ग्रुप में से अपना होमवर्क पिक कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में भी मैंने ये मेंशन कर दिया कि आपने टाइटल पेज आज बनाना है नोटबुक्स पे, ठीक है। ऑल ऑफ यू डन विद दिस पेजेस? कर लेंगे दोनों पेजेस? यस। ये कौन कह रहा है मैम? ओके, गुड वन, गुड बाय टू एवरीवन। योर क्लास टाइम इज ओवर नाउ। अल्लाह अल्लाह।